Good afternoon Good afternoon good afternoon everybody Adi. jaiye aur ye session share bhi गुड आफ्टरनून एम आई ऑडिबल एम आई विजिबल क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे देख पा रहे हैं बोलिए बता दीजिए एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए इफ़ आई एम यू नो विजिबल हेलो राहुल हेलो शाहवाज़ अश्मी, श्वेता राकेश अनन्या. प इंडियन क्लिप्स पोलाइट प्रिंस तमन्ना प्रीति गुड आफ्टरनून एवरीबडी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुला लो क्योंकि दिस इज अ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेशन ठीक है क्योंकि आपको पता है आज मैं बात करने वाली हूँ बिकॉज यू गाइज हैविन यू नो आस्किंग मी टू टेक अ सेशन ऑन म्यू माई कॉसेज और द ब्लैक फंगस इसके बारे में आप बहुत दिनों से मुझे बोल रहे थे कि मैम बताओ ये क्या होता है Uh, इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है एंड वॉट एक्चुअली इज कोविड नाइनटीन पेशेंट क्यों उनमें इतना ज्यादा हो रहा है ओके okay, चलो बहुत सारे लोगों को बुला लो सबको पता चलना चाहिए कि ये डिजीज कैसे होता है और कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं हेलो एवरीबडी सुमन मालातेश ओ माय गॉड प्रीति ओ माय गॉड आई होप कि वो uh, उनको सर्जरी का बिल्कुल जरूरत ना पड़े और राइट गाइज कब ऑन कम ऑन प्लीज शेयर कर दीजिए इस सेशन को जल्दी से जल्दी ये सेशन बहुत जरूरी है और राइट ज्यादा लोग देखेंगे तो ज्यादा अवेयरनेस होगा ठीक है दिस सेशन कैन सेव समीज लाइफ थोड़ा सा किसी को यू you नो know, पता चल सकता है कि yes मुझे ये चीज़ों का सावधानी रखना जरूरी है शेयर कर दो इसे जल्दी से चलो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक उट म्यूकोर माइकोसिस एंड बहुत सारे uh, कुछ स्टूडेंट मुझे पूछ रहे हैं है, मैम आपका नाम क्या है हाँ तो आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह एम ए पी एच डी इन माइकोलॉजी मैंने फंगस uh, के ऊपर ही पी एच डी करा है पांच साल तक रिसर्च करा है एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई ऑल्सो मैंने कुछ मैंने तीन नए फंगस भी डिस्कवर करे हैं सो सो मैनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैम आप लोग आपने तो रिसर्च भी करा है माई कॉलेज में फंगस पे रिसर्च भी करा है तो आप ये सेशन क्यों नहीं ले रहे हो तो आज मैंने सोचा कि ये सेशन ले ही लेते हैं आई बिन टीचिंग फॉर द लास्ट फाइव एंड हाफ ईयर नाउ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंटोर करा है मेरे पास यूजी UG, यूजीसी uh, का बी एस आर का फेलोशिप भी था ओके okay, चलो फिर शुरू करते हैं यू कॉर माई कॉसेस क्या होता है ओके <laughs> okay, देखो बर की बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम एक जब फंगस पढ़ते हैं तो उसमें एक क्लास पढ़ते हैं जिसका नाम होता है सबको जिसका नाम हैज दिस इन्फेक्शन ये जो म्यूकॉर्माइकोसिस का इन्फेक्शन होता है ये वही फंगस है जो बिलोंग करते हैं फाइकोमाइसिटीज को दिस वॉज ऑल्सो कॉल्ड प्रीवियसली दिस वॉज ऑल्सो कॉल्डोमाइकोसिसकोसिस भी बोलते थे ठीक है बट अभी इसको नया जो नाम है दैट इज म्यूकोर माइकोसिस और राइट एक और बात बताती हूँ नॉट अ न्यू डिजीज ये नया डिजीज़ नहीं है कोविड की तरह ये कोई नई डिजीज नहीं ये बहुत पुरानी डिजीज है होती रहती है बट दिस इज वेरी वेरी रेयर वेरी वेरी रेयर और मैं ये भी बात करने वाली हूँ कि इतनी रेयर है तो अभी क्यों इतना ज्यादा इसके केसेज आ रहे हैं ओके ठीक है तो ये इतना समझ में आ जाना चाहिए आपको तो कि म्यूकोर माइकोसिस उसी क्लास से होता है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा है फाइकोमाइसिटीज उसी में आप लोगों ने पढ़ा है म्यूकर उसी में आप लोगों ने पढ़ा है राइजोपस है ना एंड अदर म्यूकोर माइकोसिस कॉजिंग स्पीशीज आर राइजो म्यूकर भी है एपोफाइसोमाइसिस भी है ठीक है तो राइजोपस म्यूकर तो हमने पढ़ा ही हुआ है वो ही समझिए वो वो फंगस है जो कॉज करता है म्यूकोर माइकोसिस बट मैं बोल रही हूं कि बहुत पुराना डिजीज है नया बिल्कुल भी नहीं है ओके अब दूसरी बात ये आई कि ये फंगस मुझे कहाँ मिलेंगे ठीक है दूसरी बात मुझे ये जाननी है कि ये फंगस मुझे कहाँ मिलेंगे ये फंगस आपके घर में नॉर्मली होते हैं फॉर एग्जाम्पल राइजोपस को हम बोलते हैं ना तो कॉमन ब्रेड मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर ये जो ग्रीन कलर का फंगस आ रहा है दैट इज राइजोपस मोस्ट कॉमन दीज दे आर वेरी वेरी कॉमन इन नेचर बहुत कॉमन है सॉइल में मिलेंगे आपको ठीक है कोई भी चीज़ सड़ रही है गल रही है उसके ऊपर जो फंगस ग्रो कर रहा है मोस्टली वो यही वाला फंगस होगा और राइट इन अ वे दे आर ऑल्सो हेल्पिंग इन न्यूट्रिय का रिसाइकलिंग में भी हेल्प कर रहे हैं आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट दिस इन्फॉर्मेशन विद योर चैप्टर ऑल्सो ठीक है तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गंदे ही हैं ये जो आपके फंगस है इनका नेगेटिव भी काम है नो no. इनका काम पॉजिटिव भी है आपको इनको चाहिए आप चाह लाइक वी वी नीड दीज फंगस हमें डिकम्पोजिशन के लिए फंग, फंग, फंगस चाहिए ये फंगस मुझे डीकम्पोजिशन के लिए चाहिए ओके okay, तो कहां मिल जाएंगे मुझे नॉर्मली कोई खाना सड़ रहा है वहां पे ये फंगस मिलेगा सॉइल के अंदर इसके स्पोर्स होंगे सो दिस वेरी वेरी कॉमन वेरी कॉमन फंगस ये जो कॉज कर रहा है बहुत कॉमन फंगस है मेरी बात सुनते जाओ ठीक है लास्ट में मैं आपके डाउट्स ले लूंगी ओके okay. अब मैंने बोला कि बहुत कॉमन फंगस है मतलब शायद ऐसा हो कि मेरे रूम में भी अभी इस फंगस के स्पोर्स हो इट इज पॉसिबल और इट इज़ पॉसिबल कि मैं रोज इन इन्हेल भी करती हूँ वो स्पोर्स बट आई एम अ हेल्दी पर्सन यू आर हेल्दी पर्सन जब हम हेल्दी होते हैं हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम रोज इन स्पोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है दैट इज वाई आई से दैट इट इज़ अ रेयर डिजीज़ नॉर्मली नहीं होता ठीक है नॉर्मली ये डिजीज़ नहीं होगा ओके okay? चलिए मैं ये भी बात करने वाली कोविड पेशेंट्स में क्यों इतने ज्यादा केस आ रहे हैं वो मैं बाद में बात करती हूं बट पहले समझ लो कि क्या हो रहा है क्यों ये अब इतना रेयर नहीं रहा तो अभी एक बात तो समझ में आ गई ना अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो ये जो स्पोर्स हैं ये आपको कुछ नहीं कर सकते यो बॉडी आपका जो डिफेंस सिस्टम है दैट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दीज स्पोर्स चाहे आपके आजू बाजू में बहुत सारे स्पोर्स हैं बट आपका बॉडी खुद को यू नो इससे प्रोटेक्ट कर लेता है बट बट अब उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly कैसे ये फंगस अगर मैंने इनहेल कर दिया और अगर मेरा इम्यूनिटी कम है तो क्या होने वाला है वट बॉडी इज दैट आप लोगों ने सबने पढ़ा ना दैट ये जो फंगस होता है इसके जब स्पोर्स ग्रो करते हैं वेन द स्पोर्स दे जर्मिनेट दे प्रोड्यूस हाईफी आपने पढ़ा ना हम सब ने पढ़ा है ना फंगस के चैप्टर में पढ़ा था कि ये क्या करते हैं हाइफी बनाते हैं राइट -like ओके right? okay. आपने इनहेल कर लिया ठीक है अगर कोई ऐसा पर्सन है ऐसा इंडिविजुअल है जिसका इम्यून सिस्टम पहले ही वीक हो गया है अगर उसने उसको इनहेल करा ठीक है तो क्या होगा ये जो फंगस है फंगस यू ऑल नो एज इट इज एक्लोरोफिल अपना खाना खुद से नहीं बनाएगी किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है नाउ वेन दी द स्पोर्स दे एंटर योर यू नो बॉडी जब आप इनहेल करते हो जब आप इनहेल करोगे ये देखो जब आपने इनहेल करा तो ये जो फंगस स्पोर्स है ये आपके प्री नेजर साइनसेस में ट्रैप हो जाएंगे साइनिस जो हॉलो कैविटीज है आपके स्तर में वहां पे ट्रैप हो जाएंगे और वहां से क्या करेंगे दे विल स्टार्ट इनवेडिंग द टिश्यू आपका जो आजू बाजू का टिश्यू है वहां पे जाके फंगस स्पोर ग्रो करेंगे हाइफी बनाएंगे और उसको जकड़ लेंगे बहुत अच्छे से आपके टिश्यू को मारना शुरू कर देंगे क्योंकि फंगस किसी और के ऊपर फीड करता है नाउ दिस फंगस विल स्टार्ट फीडिंग ऑन यू ऑन योर टिश्यू इसकी वजह से क्या होगा कि आपका टिश्यू मरता जाएगा आपका टिश्यू मरता जाएगा इट विल कॉज नेक्रोसिस एंड दैट इज वाई इट टर्न द ब्लैक ओके इट टर्न्स द टिश्यू ब्लैक क्योंकि आपका टिश्यू मर जाता है जब टिश्यू मर जाएगा तो वो ब्लैक हो जाएगा काला हो जाएगा एंड दैट्स वाई द नेम ब्लैक फंगस दैट्स वाई द नेम ब्लैक फंगस इज दिस क्लियर टू यू इतना समझ में आया अभी तक ये yes, बिल्कुल ठीक है मैं सब तरह के इन्फेक्शन बताने वाली हूँ थोड़ा सा पेशेंस रखो थोड़ा सा पेशेंस अभी तुम्हें तो पता चल चलेगा एक्जैक्टली exactly क्या हो रहा है वैन यू इनहेल दीज फोर्स एंड दीज फोर्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन योर आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है नॉर्मली ठीक है इनहेल कर लिया और आपका इम्यून सिस्टम पहले ही कॉम्प्रोमाइज है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा अब आपके सिस्टम को कोई यू नो डिफेंड करने के लिए है ही नहीं तो ना हो द तो फंगल हाइफी पी देन ग्रो इजीली आपके टिश्यू को मारना शुरू कर देते हैं ठीक है अब देख लो आप टाइप्स की बात कर रहे थे ना यू वर टॉकिंग अबाउट द द टाइप्स टाइप्स दीज आर ऑफ म्यूकोरमाइकोसिस राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल मतलब जिस पार्ट को जिस ऑर्गन को ये इंफेक्ट करेगा उसके बेसिस पे कुछ पांच हमने कैटेगरीज आइडेंटिफाई करे हैं एक है राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल मैं ये बताने वाली हूँ सेकेंड इज पल्मोनरी थर्ड वन इज गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जी आई म्यूकॉर माइकोसिस क्यूटेनियस है डिसमिनेटेड है चलो देखो क्या होता है मैंने यहाँ पर जानबूझकर बूझ कर आई हैव नॉट इंक्लूडेड पिक्चर्स हेयर बिकॉज आप लोग पिक्चर्स देख ही रहे हो कि कितना ज़्यादा यू नो प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को सर्जरी कर कर उनको उनका यू नो आई रिमूव करना पड़ रहा है सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द पिक्चर्स हेयर आप लोग वो देख सकते हैं गूगल पे जाकर देख सकते हैं ठीक है अच्छा जो पहला है दैट इज राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोर माइकोसिस कैसे होगा अगर मैंने फंगस के स्पोर्स को इनहेल कर लिया तो वो सबसे पहले जो मेरा नोज़ वाला एरिया है ठीक है उसको इन्फेक्ट करेंगे वहीं से टिश्यू खराब होता गया खराब होता गया मरता गया एंड देन इट विल रीच टू द ऑर्बिट ऑफ द आई आई सॉकेट तक पहुंचेगा ओरल कैविटी ओरल कैविटी आपके मुंह तक भी पहुंचेगा इवन जॉ भी रिमूव करना पड़ जाता है कुछ केसेस में इतना ज़्यादा यू नो स्प्रेड हो जाता है फंगस का इतना ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है तो दिस इज राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल जब आपका जो नेजल है आई का एरिया है ओरल कैविटी है वो इन्फेक्ट हो जाएगा ब्रेन तक भी चला जाता है ब्रेन तक भी चला जाता है इन्फेक्शन इसके सिम्टम्स क्या है देख लो इसके सिम्टम्स हैं हेडेक सर में दर्द रहेगा नेजल कंजेशन ठीक है नेजल डिस्चार्ज ब्लैक होगा स्वेलिंग हो जाएगा फेस का आपके फेस पे सेंसेशन नहीं रहेगा कोई क्यों क्योंकि आपका जो टिश्यू है वो मरने लग गया है इन में डिस्कलरेशन हो जाएगा रेडनेस हो सकता है फिर ब्लैक हो जाएगा दिस दीज आर द सिम्टम्स ऑफ राइनो ऑर्बिटल सेरिब्रल म्यूकोर माइकोसिस प्लीज शेयर दिस सेशन विद एज मेनी पीपल एज यू कैन सो दैट उनको भी थोड़ा सा अवेयरनेस हो जाए तो so, इस सेशन को शेयर कर देना ओके okay? चलिए सेकेंड वन इज पल्मोनरी ठीक है पल्मोनरी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा ओके okay? उसको अफेक्ट करेगा आपके लंग्स को अफेक्ट करेगा इसके क्या सिम्टम्स है देख लो इसके सिम्टम्स हैं आपको फीवर हो सकता है चेस्ट में पेन हो सकता है खांसी होगी और उसमें ब्लड आ सकता है दीज आर सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी म्यूकोर माइकोसिस ऑल राइट भी हो सकता है अगर आपने वो चीज़ यू नो खा ली कोई भी इस तरह की चीज जैसे कई बार uh, कोई यू you नो know,

ये हो गए गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स नेक्स्ट इज क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस क्यूटेनियस मतलब स्किन का ठीक है और ये कैसे होगा अगर आपका यू नो स्किन में कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत कट लगा हुआ है बर्न है और किसी और तरह का आपको स्किन का ट्रामा हुआ है तो ना दे कैन ईजिली एंटर योर एंटर योर स्किन में आप उसके मतलब एंटर हो सकते हैं एंड इसकी वजह से आपको फिर से म्यूकॉर माइकोसिस ऑल दो ये जो क्यूटेनियस वाला म्यूकॉर माइकोसिस होता है ये जितने भी मैंने अभी टाइप डिस्कस करे ना उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस सर्वाइवल के इसी में है क्यूटेनियस में है जिसमें स्किन में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये आप बोल सकते हो तो कि सबसे ज़्यादा चांसेस यू नो you know, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने के सबसे कम चांसेस हैं क्यूटेनियस टाइप ऑफ म्यूकॉर माइकोसिस क्योंकि ये स्किन का है इससे आपको इतना ज़्यादा लाइक जैसे जो बाकी मैंने अभी डिस्कस करे उसमें तो बहुत डेथ हो रहे हैं ठीक है इसमें इतना ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होता ठीक है नाओ सिम्टम्स क्या है इसके इसके भी सिम्टम्स क्या है आपके स्किन पे ब्लैक पैचेस बनने लग जाएंगे आपका स्किन स्वेल हो जाएगा रेड हो सकता है ब्लिस्टरिंग हो सकता है ठीक है ब्लिस्टरिंग हो सकता है स्किन पर दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ट्यूटेनियस म्यूकोर माइकोसिस दिस इज द फोर्थ वन ओके नाउ द लास्ट वन इज द वन वेयर वेयर ना सिम्टम्स भी नहीं पता चलते जो लास्ट में डिस्कस करने वाली हूँ ना इसमें सिम्टम्स भी ठीक से पता नहीं चलते हैं दिस इज नोन एज डिसमिनेटेड म्यूकोर माइकोसिस देखिए अब इसमें क्या होता है जो इन्फेक्शन है ना वो स्प्रेड होता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये इन्फेक्शन स्प्रेड होता है और कहाँ होगा ज़्यादातर देख लो किधर होगा न्यूट्रोपेनिक पेशेंट्स में होगा न्यूट्रोपेनिक पेशेंट कौन से होते हैं वॉट इज न्यूट्रोपेनिया न्यूट्रोपेनिया क्या होता है हम लोगों ने सबने पढ़ाया ना न्यूट्रोफिल्स के बारे में वी है वी ऑल नो अबाउट न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल्स आर यू नो हमारे बॉडी के डिफेंस सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो मुझे इन्फेक्शन से बचाते हैं जो आपकी बॉडी को इन्फेक्शन से बचाते हैं इसके बिना हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं कि हमें छोटे से छोटा डिजीज भी यू नो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे सिस्टम में सो so, इन पेशेंट्स स्पेशली जिनको है न्यूट्रोपेनिया मतलब न्यूट्रोफिल्स बहुत कम हो गए उन पेशेंट्स में डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस भी हो सकता है इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है थ्रू ब्लड स्ट्रीम All right. और इसके सिम्टम्स आप जल्दी से नहीं पता कर सकते इसके सिम्टम्स डिफ्यूज होते हैं आई कैन नॉट गिव यू वन सिम्टम कि ऐसा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि डिसेमिनेटेड म्यूकोसिस होता है नहीं बता सकती मैं आपको इन केस ऑफ न्यूट्रोपीनिया न्यूट्रोपेनिक पेशेंट इसमें चांसेस होते हैं कि डिसेमिनेटेड म्यूकोरमाइकोसिस हो जाए तो मैंने अभी टाइप्स आपके साथ डिस्कस कर लिए नाउ लेट्स लेट्स टेक अ लुक एट एट हु इज रिस्क को सबसे ज्यादा रिस्क है जो आप लोग मुझे बार बार पूछ रहे हो कि कोविड पेशेंट में क्यों हो रहा है ठीक है अब उसकी बात कर लेते हैं देखो वेन आई स्टार्ट द सेशन आई टोल्ड यू दैट द डिजीज इज वेरी 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 रेयर एंड इट इज कॉज्ड बाई द स्पोर्स ऑफ म्यू और राइजोपस ठीक है उसके स्पोर्स से कॉजे जो मैंने बोला स्पोर्स बिल्कुल आपके आजू बाजू में हर रोज आपके बॉडी में एंटर भी हो रहे होंगे बट सिंस यू आर अ हेल्दी पर्सन बॉडी इज एबल टू फाइट्रॉयम नहीं आता तो कौन है इंडिविजुअल कंडीशन इस तरह के अगर कोई डिजीज से सफर कर रहा है इस तरह का अगर किसी का कंडीशन है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वीक हो जाता है उनको बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस का इंफेक्शन हो सकता है उनको म्यूकोरमाइकोसिस डिजीज हो सकता है उनको फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स विद डायबिटीज कैंसर ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड एज इनको बहुत चांसेस हो सकते हैं अगर ये ध्यान ना रखें मेरी एक बात सुनो अगर ध्यान ना रखें तो इनके चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं कि इनको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है एंड द थिंग दैट यू वॉन्ट टू नो द मोस्ट अबाउट इज दैट

तो आपका इम्यूनिटी वैसे ही कम होना शुरू हो जाता है ठीक है आपका इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाता है दूसरी बात कोविड नाइन्टीन पेशेंट को स्टेरॉयड्स देते हैं उनको ठीक करने के लिए विच आर रिक्वायर्ड जो कि गलत बिल्कुल भी नहीं है आपको चाहिए आपको ठीक करने के लिए आपको रिकवर होने के लिए स्टेरॉइड चाहिए बट कुछ लोग आई डोंट नो आपके शायद आसपास भी ऐसा किसी ने करा हो मे बी आपके रिलेटिव या कुछ कुछ लोग क्या करते हैं अच्छा कोविड नाइन्टीन के लिए तो ये वाले स्टेरॉयड यूज़ होते हैं ना तो मैं ये ले लेता हूँ और डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता इन वेरी वेरी डेंजरस अगर आप अपने आप ही स्टेर ले रहे हो यू डोंट नो कि कितना स्टेरॉयड आपको चाहिए कितने टाइम के लिए आपको लेना है स्टेरॉइड्स ऑल्सो वीक दे आर ऑल्सो यू नो रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग योर इम्यूनिटी आपका इम्यूनिटी तभी भी कम हो जाता है जब आप स्टेरॉइड ले रहे होते हैं

का डॉक्टर जो आपको दे रहा है ना सलाह कंसल्ट करो अपने डॉक्टर से कि कितना स्टेरॉइड चाहिए कितनी देर के लिए चाहिए अगर आप खुद से ये डिसाइड कर रहे हैं ना देन बहुत गड़बड़ हो सकती है स्पेशली जब इसके केसेस इतने ज्यादा चल रहे हैं समझे एंड सम डॉक्टर्स तो आर जो जो इतने एक्सपीरियंस नहीं है वहां पर भी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी कि स्टेरॉइड का कितना अमाउंट देना चाहिए कितने टाइम के लिए देना चाहिए वो नहीं ठीक से यू uh, नो you know, मिलता है पेशेंट को वो तो गड़बड़ हो जाती है इज दिस क्लियर ओके नो श्वेता आई एम अगेन रिपीटिंग माई सेफ आई एम नॉट से आपको चाहिए कोविड को ट्रीट करने के लिए कोरोना वायरस अगर आपको इन्फेक्ट कर गया है उसको ट्रीट करने के लिए आपको स्टेरॉइड चाहिए बट यू हैव टू कंसल्ट दिस विद डॉक्टर वो जितना बोल रहा है आपको जितने दिन के लिए बोल रहा है उतने ही स्टेरॉइड लेने उससे ज्यादा नहीं लेना है अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है ठीक है अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है इट इज यस ओके तो अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है क्योंकि आप Tyroids भी आपके बॉडी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं तो जो जिन लोगों को कोरोना कोविड uh, हुआ है uh, या फिर जो अभी होके हट गया है ठीक है उन लोगों को स्पेशली बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि योर बॉडी टेक्स टाइम टू यू नो रिकवर एंड उसका इम्यूनिटी वापस आने में थोड़ा टाइम लगता है तो तब तक हमें थोड़ा ध्यान देना है हम लोगों को इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा अब मुझे कैसे पता चलेगा डायग्नोस कैसे करते हैं म्यूकोरमाइकोसिस को मान लो किसी के पास कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कोई पेशेंट आता है डॉक्टर के पास कि मुझे ये सिम्टम्स है तो डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है पहली चीज तो है क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा आई I मीन mean, वो डॉक्टर आपका नाक चेक करेगा उसमें कुछ वो ब्लैक कलर का क्रस्ट तो नहीं बन रहा है जो जो कि मोस्टली कब बनेगा जब आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो गया है ओके okay, उससे भी अगर उसको ठीक से नहीं पता चल रहा तो टिश्यू बायोप्सी कर सकते हैं हम आपके बॉडी का कुछ छोटा सा पार्ट ले सकते हैं टिश्यू ले सकते हैं उसको एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं कि उसमें आ, स्पोर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं सीटी स्कैन कर सकते हैं ठीक है लंग्स के केस में सी स्कैन भी हो सकता है फंगल कल्चर आपके बॉडी से वो टिश्यू को निकाल के हम उसको लैब में कल्चर करके देख सकते हैं राइट right, अगर माइक्रोस्कोप में भी नहीं आ रहा सी स्कैन में भी नहीं पता चल रहा तो हम क्या कर सकते हैं फंगल कल्चर को ग्रो करके देख सकते हैं आपके टिश्यू लिया थोड़ा सा उसको ग्रो करके देखा अगर वहाँ फंगस ग्रो हो गया तो दैट मीन्स शायद आपके बॉडी में दैट दैट मीन्स कि आपके बॉडी में उसके स्पोर्स जा चुके हैं तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम डायग्नोस कर सकते हैं ना टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट्स ट्रीटमेंट्स क्या इट इज क्योरेबल अगर ठीक टाइम पर पता चल जाए तो इट इज क्योरेबल ठीक है अगर ठीक टाइम पर पता चल जाए तो इट इज क्योरेबल एंड मोस्टली द ड्रग दैट वी आर यूजिंग इज बी ये बड़ा कॉमन यूज हो रहा है और अभी आपको पता है इसका शॉर्टेज भी हो गया है ठीक है इसका शॉर्टेज भी हो गया है क्योंकि तो इतना ज्यादा यूज हो रहा है और हम प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा तो एम्फोटेरेसिन बी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका शॉर्टेज भी हो गया अब एक बात बता देती हूँ आपको बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ना कभी कभी क्या हो रहा है ना डॉक्टर्स को सर्जरी करनी पड़ रही है इन दो केसेस जहाँ पर शायद सर्जरी की जरूरत भी ना हो तो ये ये जो सिचुएशन है हमारा ये थोड़ा सा वरिंग है ओके अदर ड्रग्स दैट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ म्यू फॉर माई कॉसिज आइसा वनाजोल ये दो भी हैं बट मोस्टली यही वाला ज्यादा यूज़ हो रहा है सेकेंड जो ट्रीटमेंट है दैट इज सर्जरी आई हैव नॉट इंक्लूडेड द पिक्चर्स आर आप आई एम श्योर आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा कि आई पूरा का पूरा आई रिमूव कर दिया है राइट सो आई हैव नॉट इंक्लूडिड दोज पिक्चर बट येस उसके बाद फाइनल जो ट्रीटमेंट रहेगा दैट इज सर्जरी एंड अगर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया देन तो वो क्योर भी नहीं हो सकता इट्स विल लीड टू डेथ अब बात करते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें अभी आपको आई आई होप आपको एक यू नो आइडिया हो गया है अबाउट म्यूकॉर माइकोसिस कौन कॉज कर सक करता है किसको ज़्यादा यू नो रिस्क पे है कौन लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं ओके okay, कैसे डायग्नोसिस हो सकता है इसका राइट right. किस चीज़ क्या क्या ट्रीटमेंट है हमारे पास नाउ इस सब की नौबत ही ना आए तो क्या करें ठीक है तो क्या करना है हाउ टू प्रिवेंट म्यूकोर माइकोसिस सिंपल सी बात है जो मैंने आपको रीजन बताए ना जिससे होता है उसी से आपको थोड़ा आइडिया तो लग गया होगा कि हम क्या कर सकते हैं खुद को बचाने के लिए अपने फैमिली को बचाने के लिए कि उनको म्यूकोसिस ना हो स्पेशली पेशेंट हु हु आर रिकवरिंग हैव रिकवर्ड दे नीड टू यू नो टेक केयर ऑफ बहुत ज्यादा उनको ध्यान रखने की जरूरत है क्या करेंगे मास्क पहन के जाइए आप कहीं भी जा रहे हैं आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट विजिटिंग डस्टी कंस्ट्रक्शन साइट्स जो यहाँ लिखा हुआ है हर जगह बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के जाओ सिंपल सी बात है ठीक है बाहर जा रहे हैं आप तो मास्क पहन कर जाओ वेयर शूज ठीक है मैंने क्योंकि मैंने बोला था कि आपके स्किन में अगर कट्स हैं उधर से भी ये फंगस एंटर हो सकता है सॉइल में होता है क्योंकि लॉन्ग ट्राउजर्स सो दैट अगर आपके बॉडी में कहीं छोटा मोटा कट है तो ये अंदर एंटर ना हो पाए लॉन्ग स्लीव शर्ट्स एंड ग्लव्स वाइल्ड हैंडलिंग सॉयल ठीक है जब आप गार्डनिंग कर रहे हैं को तो अपने आप को पूरा अच्छे से कवर करके रखिए मेंटेन पर्सनल हाइजीन जितना आप हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे उतना ही आप म्यूको माइकोसिस से दूर रहेंगे ठीक है एंड व्हेन यू टेक अ बाथ तो अच्छे से खुद को स्क्रब करना है अच्छे से खुद को स्क्रब करना है सो so दैट अगर कोई आपके बॉडी के ऊपर स्पोर वगैरह है वो भी वो यू यू गेट रिड ऑफ दो स्पोर्स राइट सो दिस इज वन थिंग एंड अच्छा और ए, एक और बात ये है कि आप जहाँ आपको लगता है ना कि जहाँ पर बहुत डैम्प कंडीशन है जहाँ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे फंगस ग्रो कर रहा हो सकता है उधर मत जाइए ठीक है उन कंडीशंस में मत जाइए उन जगहों पर मत जाइए ओके ऑल राइट देन एक और चीज़ जिससे हम मैनेज कर सकते हैं कंट्रोल uh, कर सकते हैं इज आप अपने डायब जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अपने डायबिटीज को मैनेज करें कंट्रोल करें ओके okay. एंड uh, अगर आप अगर आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट करें स्टेरॉइड्स ले रहे हैं ठीक है इम्यूनो मॉडिलेटिंग ड्रग्स ले रहे हैं उसको डिसकंटिन्यू करें अपना स्टेरॉइड का जो आपका इंटेक है उसको कम कर दे हमेशा अपने डॉक्टर को पूछ के ही ये दवाइयाँ लेनी हैं अदरवाइज uh, बहुत गड़बड़ हो सकता है ऑल राइट सो आई होप आपको थोड़ा आइडिया हुआ हो कि माइकोसिस क्या है कैसे होता है कैसे आपके बॉडी के अंदर स्पोर्स जाकर यू नो हाइफी सिस्टम की वजह से आपके सारे टिश्यू को मारना शुरू कर देते हैं टिश्यू स्टार्ट बिकमिंग ब्लैक इन कलर इसी से इसको नाम मिला ब्लैक फंगस ओके ठीक है प्रिवेंट कैसे करना है मेनटेन पर्सनल हाइजीन एंड वेयर मास्क ओके okay, और जो इस तरह की जगह है जहां आपको लगता है यू नो ना कहाँ पे ज्यादा फंगस ग्रो होगा आपको पता है ठीक है आपको पता है यस सौरभ यू आर आल्सो राइट दिस सौरभ ने मुझे अभी पूछा मैम कैन वी से कोविड पेशेंट वेयरिंग ऑक्सीजन मास्क विच कंसिस्ट सम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर दैट नो 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 सौरभ ये तो ओके okay, चलिए Uh, इससे तो नहीं हो, होने वाला ऐसा कुछ बट yes uh, जो मैंने कुछ uh, इस तरह के आर्टिकल ज़रूर पढ़े थे कि अभी जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं लोग घर पे अपने तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं ना कि अपने टैप का वाटर यूज़ कर रहे हैं ही डायरेक्टली उसमें वो स्पोर्स हो सकते हैं आई डोंट नो कितना सच है कितना नहीं है बट दिस हैज़ आल्सो कम आउट ठीक है ये भी सामने आया है ऑल ठीक है तो ध्यान रखना है और अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो पढ़ते रहो ठीक है एंड इफ़ यू वांट टू बूस्ट योर स्टडीज मोर देन वी हैव दीज बैचेस ग्रो गोइंग ऑन 2012 का 23 का चल रहा है एंड यू नो दैट कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यू कैन यूज़ दिस कोड गार्गी और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा नहीं तो हमारे पास आन अकेडमी कॉम्बेट भी है विच इज़ अ स्कॉलरशिप एग्जाम हर संडे हो रहा है इनरोल करोगे गार्गी कोड यूज करके और फ्री right, में एंड देन अगर आप टॉप थ्री में आ गए तो आपको स्कॉलरशिप पूरा का पूरा वन हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा तो ओके अश्मी वेरी गुड क्वेश्चन बट अश्मी देखो मैंने क्या बोला अश्मी मैंने ये भी बोला ना कि आपको स्टेरॉयड्स बिल्कुल भी उनका ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा होता है स्टेरॉयड बट कुछ डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मैनेज करने के लिए आपको स्टेरॉयड लेना ही पड़ता है ऐसा नहीं है कि बहुत बुरी चीज़ है राइट right? तो इसीलिए आपका बॉडी अगर कुछ प्रोड्यूस कर रहा है ठीक है एंड ऑल्सो अशमी अगर आपके हॉर्मोन कम या ज्यादा हो गए तो प्रॉब्लम आ जाता है ना हाँ अशमी यू यू आर टॉकिंग अबाउट सेक्स हॉर्मोन्स राइट तो अगर वो कम या ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगा ना ठीक है तुम तो वही वही बोल रही हूँ मैं अगस्त चेरोय ज्यादा हो जाएंगे आपकी बॉडी में तो प्रॉब्लम होगा राइट आयुष आफ्टर फर्स्ट वैक्सीनेशन ना दिस इज स्टिल डिबेटेबल ऐसा मैं एकदम बिल्कुल आपको बिल्कुल एकदम, एकदम अच्छा सा परसेंटेज दे दूँ वो तो नहीं है बट येस कि पहला जो आपका वैक्सीनेशन होता है उससे आपको काफी थोड़ा बहुत इम्यूनिटी तो मिल ही जाता है ठीक है ओके okay. एंड अगर आपको इस सेशन से कुछ हेल्प हुई तो लाइक like कर देना एंड प्लीज शेयर इट विद अदर्स आल्सो दिस इज अ वेरी इंफोर्मेटिव सेशन जिससे थोड़ा सा हम लोगों को क्या करना है बस अवेयरनेस लाना है ठीक है तो ये डिजी, डिजीज बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा ऐसा नहीं है कि ये बहुत इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल कर सकते हैं आप बस ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये आप शेयर कर दो सबके साथ सबको अवेयर करते हैं उसी से ठीक होगा ठीक है ओके okay? और right, श्वेता क्या बोल रही है श्वेता तुम्हारा क्वेश्चन श्वेता मुझे वो आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा ओनली आफ्टर रीडिंग द आर्टिकल आई कैन कमेंट ऑन दैट मैंने वो नहीं पढ़ा मैं एक बार पढ़ूंगी तो तो मैं आपको बताती हूँ ओके okay. ठीक है श्वेता ऑल राइट right. केतन आयल मैं चेक करूंगी ये जो आप ब्लड ग्रुप वाला बात कर रहे हो ये भी मैं चेक करूंगी ठीक है ओके तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन इसको इसको आप लोग जरूर शेयर करो शुभांक आपका क्या क्वेश्चन है मुझे नहीं दिख रहा वंशु ने क्या करा है नो नो वंशु इट इज नॉट नेसेसरी बिल्कुल जरूरी नहीं कि हर कोविड पेशेंट को म्यूकॉर्म माइकोसिस होगा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला ठीक है नहीं होने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा ओके ठीक है ऑल राइट चले ओके आई रीड दैट श्वेता आई रीड दैट क्योंकि मुझे और भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी नो शुभांक नो 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 अच्छा हाँ 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 इफ़ यू इफ यू yes शुभाक इफ यू यू नो आप बहुत क्या करते हो बहुत बार जब किसी को पिम्पल होते तो आप उसको ऐसे ना क्या बोलूँ मैं उसको ऐसे दबा देते हो तो क्या है आपका स्किन वहाँ से थोड़ा सा यू नो वहां पे थोड़ा सा स्पेस uh, बन सकता है वहां पे थोड़ा सा किसी भी स्पोर को या फिर यू नो बैक्टीरिया को एंटर करने का मौका मिल सकता है ठीक है तो हाँ बट इफ यू आर अ हेल्दी पर्सन तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ओके आयुष थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आयुष आई रियली नीड दिस ठीक है नो सोहेल आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आई रिमेंबर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो मेरे सेशन में सोहेल uh, तुम तो रोज ही आते हो तो मुझे तो तुम्हारा याद ही रहेगा है ना ठीक है ओके ओके okay, चलिए तो मिलते हैं आज हमारा है छह बजे मेरा सेशन है उसमें मिलते हैं स्टेरॉइड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ठीक है जिसमें चार रिंग्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉयड है ओके आई होप मैंने आपका आंसर जितेंद्र क्वेश्चन को आंसर कर दिया चलो ओके अरे मैं पक्का अच्छा एक जिन लोगों का नीट क्रैक होगा ना पक्का पक्का मैं मैं उन लोगों को मिलने वाली हूँ मैं उन लोगों को मिलने वाली हूं, हूं। <laughs> आयुष प्लीज आप इसको है <laughs> ना ओके okay? शेयर करना चलो ठीक है चलिए नोट डिसलाइक करने वाले भी बहुत होते हैं आप किसी को ना बहुत अच्छी कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तभी भी किसी को अच्छा नहीं लगता है और वो डिसलाइक करके भाग जाता है कोई बात नहीं। कोई बात बात नहीं नहीं मीटिंग पर शशांक सॉरी अगर मौका मिला ये सब सिचुएशन ठीक हुआ तो ऐसे भी मिल लेंगे हाँ तो ऐसे भी मिलेंगे केतन आज छह बजे है मेरा इलेवेंथ का लेक्चर है कल छे बजे ट्वेल्थ का लेक्चर होगा अभी मैंने शुरू करा है ना नया बैच तो उसमें पहला चैप्टर मैं आज खत्म कर दूंगी आई विल ऑल्सो प्रोवाइड डीपीपी जिसको हम कल कर डिस्कस करेंगे ठीक है चलो ओके ऑल राइट एवरीबडी एंड टेक केयर अपना ध्यान रखो अपने घर वालों का ध्यान रखो और यू नो इन जनरल मास्क लगा के ही जाओ जहां पर भी जाना है नॉट बिकॉज ऑफ म्यू कॉर माई कॉसेस पर कोविड भी है बस मास्क लगा के जाओ अपना पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखो दोनों चीज़ों से आप यू you नो know, दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हो इन in... बातों से ओके okay, ठीक है चलो पी वाई क्यूज वही नौ बजे होंगे पी वाई क्यूज वही हमारा टाइम नौ बजे वाला टाइम छह बजे मैं आपके साथ थियोरी करूंगी ओके okay, और नौ बजे पी वाई क्यूज और राइट चलो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग द सेशन एंड आई होप इन बातों का तुम ध्यान रखो दूसरों को भी बताना कि ये चीजें हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं म्यूकोर माइकोसिस और uh, देखो ध्यान रखोगे चीजों का तो हम कंट्रोल कर सकते हैं मैनेज कर सकते हैं बिल्कुल ठीक है चलिए ओके ऑल राइट चलो बाय बाय एंड टेक केयर

वेट 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 आई हैव टू स्टॉप द स्ट्रीमिंग कुछ गड़बड़